पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियोमीटर में। ये आपके सामने पोटेंशियोमीटर है, इसके अंदर दो बैटरीज उल्टी लगाई गई हैं सीरीज में। देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो नेट ईएमएफ क्या है, ई वन माइनस ई टू। फिर ये सीरीज लगाई गई हैं ई वन प्लस ई टू, तो उल्टी लगाई गई हैं ई वन माइनस ई टू, सीरीज लगाई गई हैं ई वन प्लस ई टू। तो जब उल्टी लगाई गई हैं तो बैलेंसिंग लेंथ 120 है, जब सीधी लगाई गई हैं तो बैलेंसिंग लेंथ 300 है। एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, जब ई वन माइनस ई टू है इस प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ 120, तो के इंटू एल। और जब सीधी लगाई गई है तो नेट ई एम एफ क्या है, ई वन प्लस ई टू इज के इंटू 300। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो वी इज प्रोपोर्शनल टू एल किया था हमने, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ई वन ई टू आ गया। आपने रेशियो निकाल लिया ई वन ई टू की, इन दोनों को डिवाइड करके ई वन ई टू की रेशियो आ गई, पहला पार्ट है। फिर वो ये कह रहे हैं अगर मैं सिर्फ ई वन लगाता हूँ, ओनली बैटरी ई वन, तो उसकी बैलेंसिंग लेंथ क्या रही होगी। इन सबको हटा दो, सिर्फ अकेली बैटरी ई वन लगाओ, बैलेंसिंग लेंथ क्या रही होगी। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ई वन क्या है, 210 इंटू के। पोटेंशियल ग्रेडियंट के आगे जो लेंथ होती है वही क्या मानी जाती है, बैलेंसिंग लेंथ। तो ई वन इज के इंटू 210, तो 210 इसकी बैलेंसिंग लेंथ है, आंसर 210 है। ठीक, तो इज इक्वल टू के इंटू एल किया हुआ है। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, एक पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई 5 मीटर है, तो मैं लिख देता हूं ये पूरी इस वायर को पोटेंशियोमीटर की वायर बोलते हैं, जो कि 5 मीटर है। और इसके अंदर वो कह रहा है कि इसमें दो सेल्स हैं, ये दो सेल्स हैं सीरीज में कनेक्टेड है, एक बार ऑपोजिट पोलैरिटी, ऑपोजिट पोलैरिटी का मतलब ई वन माइनस ई टू, और एक बार कनेक्ट किया जाता है विद सेम पोलैरिटी का मतलब ई वन प्लस ई टू। जब सेम पोलैरिटी है तो बैलेंसिंग लेंथ 350 है, जब ऑपोजिट है तो 50 है। तो पहली क्वेश्चन तो ये बन गई ई वन प्लस ई टू के टाइम बैलेंसिंग लेंथ, और दूसरी क्वेश्चन बन गई ई वन माइनस ई टू इज इक्वल टू के टाइम बैलेंसिंग लेंथ, जैसे पहले किया था। तो ये करके ई वन ई टू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो कह रहा है कि मुझे ईएमएफ निकाल के दो सेल्स की, पर के की फॉर्म में नहीं, एग्जैक्ट ईएमएफ रखे दो। एग्जैक्ट ईएमएफ निकालने के लिए काम करना पड़ेगा, रियोस्टैट मिसिंग है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं लेनी। ये 5 मीटर की वायर है, गिवन है, क्योंकि जब बैलेंसिंग लेंथ आती है तो इसमें से कोई करंट बाहर नहीं निकलता, इसका पूरे का पूरा करंट इसमें जाता है। तो अगर ये 5 वोल्ट है तो पूरी वायर के अक्रॉस क्या डेवलप हो जाएगा, 5 वोल्ट, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, 5 का 5 इसे मिलेगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, वी बाई एल, 5 वोल्ट बाई 5 मीटर, 1 K की वैल्यू 1 आ गई। तो मैं इस K की वैल्यू को यहां पुट कर दो तो तुम्हारे पास ई वन माइनस ई टू और ई वन प्लस ई टू आ गया। तो इसमें तुम यहां पर के की वैल्यू पुट कर दो तो ई वन प्लस ई टू, ई वन माइनस ई टू आ गया, के एलिमिनेट कर दिया, के की वैल्यू हमने निकाल दी। फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ई वन एंड ई टू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहां तक? जैसे ये क्वेश्चन है, 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस, ये 10 मीटर वायर है पोटेंशियोमीटर की और 20 ओम की रेजिस्टेंस है, इज यूज एज अ पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये पोटेंशियोमीटर की वायर है, अ वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट है, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 480 वोल्ट। तो ये पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन दे रहा है, ये नहीं कह रहा डायग्राम देख लो, कह रहा खुद डायग्राम सोचो, पोटेंशियोमीटर का ऐसा बनता होगा। आगे, अननोन ईएमएफ ई इज बैलेंस्ड एट 600 सेंटीमीटर, तो एक ईएमएफ लगाई, इसको बैलेंस किया तो वो 600 सेंटीमीटर की लेंथ पे आई। आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है वायर का और ईएमएफ ई की वैल्यू बतानी है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर ये बैलेंसिंग लेंथ है, तो यहाँ का करंट तो यहीं से निकलेगा, तो करंट की वैल्यू होगी क्या, 5 डिवाइडेड बाय इस वायर के रेजिस्टेंस 20 डिवाइडेड बाय 480, तो 5/480+20 करंट आ गया। और मेरे को तो ओम लॉ होता है, ओम लॉ यहाँ लगाएं, मेरे को ईएमएफ निकालनी है, तो अगर ये ई है तो यहां पे बैलेंसिंग लेंथ पे क्या डेवलप हुआ होगा, ई, तो ई इज इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 600, ई इज आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 600, आई की वैल्यू हम ऊपर से निकाल चुके हैं, और 600 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस ऐसे निकलेगी
10 मीटर का मतलब इतने सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस, 10 मीटर की रेजिस्टेंस अगर 20 ओम है तो एक की इतनी है 600 सेंटीमीटर की 12 ओम है। तो यूनिटरी मेथड से रेजिस्टेंस निकाल ली, इसकी जगह पुट कर दी, ई की वैल्यू आ गई, ठीक। तो ई की वैल्यू आ गई, और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है वो भी आ जाएगा आपको। यहाँ पर ई पता लग गया, इसकी लेंथ क्या है 600, तो जो भी ई पता लगा उसको 600 से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और लास्ट टाइप का एक और वैरायटी देखते हैं इसकी। आपके सामने ये एक पोटेंशियोमीटर, एक पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर की वायर जो है वो 15 ओम की है, इसकी लंबाई 1 मीटर की है, ये कनेक्टेड है E1 के साथ जिसकी EMF 2 वोल्ट है। तो E1 की वैल्यू गिवन है 2 वोल्ट है, और साथ में R गिवन है। वो कह रहे हैं कि E2 कनेक्ट किया 75 मिली वोल्ट का यहाँ पर, जो 30 सेंटीमीटर में बैलेंस हो गया, आपको R निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर बैलेंस्ड है तो E2 और यहाँ पर भी E2, तो ओम लॉ लगाएं, E2 इज करंट I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो ऊपर करंट क्या होगा, E1 डिवाइडेड बाई R प्लस 15। E1 की वैल्यू 2 वोल्ट गिवन है, तो 2 डिवाइडेड बाई R प्लस 15 करंट आ गया। आपको इस क्वेश्चन में R निकालना है। E2 बैलेंस कर रहे हैं 30 सेंटीमीटर के साथ, तो ओम लॉ E2 इज I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 30। तो E2 हमें पता है 75 मिली वोल्ट है, करंट हमने ऊपर से निकाल लिया, और 30 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस के लिए अगर 100 सेंटीमीटर लेंथ है तो रेजिस्टेंस 15 ओम है, 1 का 15/100 है, और 30 का 15/100 × 30 यानी कि 45/10 है। तो यहाँ पर 45/10 पुट कर सॉल्व करके R की वैल्यू आ गई। किया कुछ नहीं किया, यहाँ पर ओम लॉ लगाया है, तो ओम लॉ लगाओ और आंसर ले जाओ। और ऐसी वो ये कह रहे हैं कि अगर E1 लगाया, E2 लगाया था, E2 की वैल्यू 75 मिली वोल्ट है, तो बैलेंसिंग लेंथ 30 है। अगर मैं इसको रिप्लेस करके 300 मिली वोल्ट लगाता हूँ तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी। हमने एक रेशो की अभी, E1/E2 L1/L2। तो जब EMF 75 मिली वोल्ट है तो बैलेंसिंग लेंथ 30 है, जब 300 है तो बैलेंसिंग लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड। तो मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ पोटेंशियोमीटर की प्रॉब्लम कैसे की जा सकती है।